बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनबीपी जूनियर अकाउंट। इसका नाम है जूनियर अकाउंट। अब इसमें देखते हैं कि जूनियर के हवाले से इसमें क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं और जूनियर किस को नॉमिनेट किया गया है। एनबीपी जूनियर अकाउंट इज़ अ स्पेशल सेविंग डिपॉजिट अकाउंट दैट कैन बी ओपन बाई ओनली एंड्यूरिंग बांग्लादेशी स्टूडेंट हैविंग एन एज 7 ईयर टू 17 ईयर्स। अच्छा, इसमें यह है कि बांग्लादेशी स्टूडेंट से मुराद यह है कि बांग्लादेश से बिलोंग करने वाले अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तान में हैं और वो स्टडी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं तो उनके लिए ये भी अकाउंट मौजूद है, वो ओपन करा सकते हैं जिनकी एज 7 साल से 17 साल तक हो। द मेन एम्फेसिस इज़ टू गिव स्टूडेंट्स फेमिलैरिटी विद बैंकिंग एंड बिल्ड द हैबिट टू सेव। दिस अकाउंट विल ऑफर द अकाउंट होल्डर्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू सेव फ्रॉम एन अर्ली एज ऑफ लाइफ। यानी कि इस अकाउंट का मकसद ये कि छोटी एज के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया और उनको बैंक की तरफ से मुतवज्जा करवाना है कि आपने अपनी सेविंग अपनी छोटी इनिशियल स्टेज से ही करनी है। ठीक हो गया। कस्टमर बेनिफिट किया, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट हायर देन सेविंग अकाउंट। इस पे ऊपर एक बेहतरीन सेविंग का मुनाफे का एक रेट है जो कि सेविंग अकाउंट से ज़्यादा है। चेक बुक फैसिलिटी भी है। कलेक्ट लोकल रेमिटेंस इन बोथ पेमेंट ऑर्डर एंड अदर वैलिड इंस्ट्रूमेंट। इसमें आप रेमिटेंस भी वसूल कर सकते हैं। अगर आपको किसी कहीं से पेमेंट पे ऑर्डर की सूरत में हुई है तो वो पे ऑर्डर इसमें जमा कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ फंड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट, कलेक्शन ऑफ चेक थ्रू क्लियरिंग हाउस, ऑनलाइन बैंकिंग। यानी कि हर चीज़ इसमें फैसिलिटी आपके पास है जो कि एक नॉर्मल अकाउंट में आप ले रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड किया है। इसको ओपन करने के लिए बैंक में आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिलेगा जिस पे आपने दस्तखत वगैरह करने हैं। 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें हैं अकाउंट होल्डर की। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी कि आईडी कार्ड, पासपोर्ट या उसकी ड्राइविंग लाइसेंस की कापी हो या गार्डियन की कापी हो। सर, नो एंडिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट इज़ एप्लीकेबल। इसमें ये नहीं है कि आपका बैलेंस आज 0 हो गया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, उसमें किसी किस्म का इशू हो जाएगा, नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द अटेस्टेड फोटो कापीज़ ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर बच्चा माइनर है 18 साल से नीचे तो उसकी बर्थ सर्टिफिकेट की कापी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल आइडेंटी कार्ड, जहाँ पे वो तालीम हासिल कर रहा है वहाँ से उसके आइडेंटी कार्ड सर्टिफिकेट इशू बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसीट और स्कूल फीस, ये सब चीज़ आपने देनी होगी। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर डॉक्यूमेंटेशन आर सब्जेक्ट टू चेंज टू अबाइड बांग्लादेशी बैंक रेगुलेशन एनबीपी बीडी पॉलिसी। ठीक है, तो ये बेहतरीन एक अकाउंट एनबीपी जूनियर अकाउंट उनके हजरात के लिए है जो कि स्टूडेंट लाइफ में हैं या वो अपने मुल्क से बाहर पाकिस्तान में आए हुए हैं तालीम पर्पज़ के लिए। यानी कि जैसे फॉरेनर स्टूडेंट्स होते हैं हर यूनिवर्सिटी में होते हैं तो उनके लिए ये नेशनल बैंक बेस्ट अकाउंट देता है कि वो अपने अकाउंट ओपन करें, चाहे उनकी एज छोटी है या बड़ी एज में भी हैं वो कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए कि इस बिहाफ पे आप अकाउंट खुलाएं, अपने फ़ी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हो और इसमें आपकी पेमेंट बाहर से आ सकती है, आपके वालदैन वगैरह आपको रेमिटेंस वगैरह भेजना चाहें तो। तो ये एक शॉर्ट मुख्तसर वीडियो थी जिसको एनबीपी जूनियर अकाउंट का नाम दिया गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि इस तरह की अहम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अगले अहम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।